हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे जेल प्रेयर की। एग्ज़ाम डेट चल चुकी है अब। ये आपके पास ओनली अभी 15 डेज है। अगर किसी का 20 तारीख को एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए ओनली 15 डे का टाइम है। अब इस 15 डे में आप क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। राजस्थान पुलिस जैसी गलती नहीं करना, क्योंकि उसमें लड़कों ने मेहनत तो बहुत की लेकिन उनको मेहनत का फ़ायदा नहीं मिला। लेकिन जिसने स्मार्ट स्टडी की वो इस एग्ज़ाम में सफल हो गया और ज़्यादा पढ़ने वाला फेल हो चुका। इसलिए मैं आपको जो बताता हूँ, अगर आप इस टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अदरवाइज़ आपकी मर्जी, जो जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ सकते हैं। मेहनत से भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप क्या पढ़ते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो आपको मैं 4-5 पॉइंट बताऊँगा, उसके अनुसार इस पर भी 40% पर ध्यान रखना। तो सबसे पहले पार्ट ए में रीजनिंग आएगी। रीजनिंग में आपको तो पता है, लगभग सब ने निकाल रखी है, लेकिन अगर 15 दिन अगर मैं बोलता हूँ जैसे कर लेते तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप जित आपके पास रीजनिंग का सोल्ड पेपर होगा किसी भी एग्ज़ाम का, जैसे मान के चलो राजस्थान पुलिस का भी सोल्ड पेपर होगा आपके पास, रेलवे का होगा, किसी भी एग्ज़ाम का सोल्ड पेपर है, उन सोल्ड पेपरों को ज़्यादा से ज़्यादा निकालो रीजनिंग के लिए। और उसके अलावा किताब को बिल्कुल बंद करके रख दो कि मुझे रीजनिंग नहीं पढ़नी। डेली 2 से 3 सोल्ड पेपर निकालो रीजनिंग के, आराम से 1 या 1.5 घंटे में निकल जाएगा। इसके अलावा रीजनिंग को आराम से बिल्कुल भी पढ़ना बंद कर दो। दूसरा काम करना आपको, जैसे बी पार्ट में साइंस दे रखी है, इंडिया जीके और करंट दे रखे, तो अब आपको क्या करना, इस 15 दिन में आपको 10 दिन तक आपको साइंस और करंट के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, और थोड़ा बहुत कंप्यूटर पर भी ध्यान रखना, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के अंदर आती है। अगर बाय चांस साइंस के क्वेश्चन कम कर दिए और कंप्यूटर के बढ़ा दिए तो वही बोलेंगे सर ने तो बोला था साइंस पढ़ना, कि साइंस के अंदर कंप्यूटर भी आता है। तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर पर ध्यान रखना। जो 25 क्वेश्चन आएंगे उसमें से मैं गारंटी देता हूँ इस बार 20 क्वेश्चन आने के चांस पूरे पूरे लग रहे हैं। जैसे पुलिस का पेपर आया था 20 नहीं तो 15 से कम तो किसी भी हालत में करंट जीके और साइंस के क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसके अंदर मैं साइंस बोल रहा हूँ, कंप्यूटर भी मान के चलना, यानी आप 20 मान के चलो, उसी के हिसाब से तैयारी हो। बाकी के जो 5 क्वेश्चन बचे हैं उसमें आपकी हिस्ट्री आ जाएगी, ज्योग्राफी आ जाएगी, संविधान आ जाएगा। संविधान में आप मोटा मोटा पढ़ें, ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ें, जैसे मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल ये पढ़ लें। थोड़ा बहुत आपके पास अगर कोई ऐसे पेपर है सोल्ड पेपर तो उनको पढ़ लें, उसमें काम चल जाएगा। ज़्यादा गहराई से कोशिश ना करें हिस्ट्री पढ़ने में। अगर आपने ये गलती कर दी, ज्योग्राफी, भूगोल और संविधान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया, तो आप, मैं गारंटी कहता हूँ आपको बहुत नुकसान होगा। आपको साइंस और करंट जितना भी हो सके, मैं आपको जुलाई, अगस्त और जून का सारा करंट अगर आप चाहते हैं तो मैं वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ अगस्त तक के करंट। इससे ज़्यादा करंट इसमें आएगी नहीं, बिल्कुल लेटेस्ट करंट है और वैसी करंट है जिसके आने के पूरे चांस है। जो उनका लेवल रेलवे जैसा लेवल है, मेरे पास रेलवे की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उसी के हिसाब से आपको करंट प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको करंट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। रही बात राजस्थान जी के, राजस्थान जी के आप जैसे पढ़ता है वैसे पढ़ो। राजस्थान जी के में नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, जैसे पढ़ रहे हैं वैसे आपकी मर्जी के हिसाब से पढ़ो। लेकिन 2 पार्ट में खासकर ध्यान रखो, क्योंकि राजस्थान पुलिस में भी इस 2 पार्ट ने ही हालत बेकार की थी लड़कों की, जो 1 पार्ट में तो लड़के पास भी नहीं हो पाए थे। ये हालत इसमें हो सकती है, इसलिए अगर बी पार्ट और इसमें रीजनिंग और साइंस और करंट वाला पार्ट उससे बचना है तो जैसे मैंने स्टेप बताए थे उसी के हिसाब से आप पढ़ोगे तो आराम से आपको कोई रोकने वाला नहीं। अगर ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। बिल्कुल साइंस को जितना हो सके उतना पढ़ो, करंट जितना हो सके उतना पढ़ो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, भूगोल उनको जितना कम हो सके उतना पढ़ो। ये नहीं कह रहा हूँ पढ़ना नहीं, थोड़ा पढ़ना ऊपर से, क्योंकि 2-5 क्वेश्चन आएंगे, कम 5 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनमें से अगर आपके 1-2 सही निकल जाते हैं तो फ़ायदा हो जाएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और 15 डेज़ में आपकी जेल प्रेरी एग्ज़ाम पास करके दिखाएं अगर इस वीडियो को आप फॉलो करते हैं तो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।